विज्ञान विभाग राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठा के तत्वाधान में दो दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक जिला स्तरीय के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट भवन में किया गया, जिसमें नीमच मंदसौर जिले के कई बच्चों ने भाग लिया। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, DPC प्रलय उपाध्याय सहित अन्य की उपस्थिति में विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। DPC प्रलय उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक के द्वारा बच्चों को मॉडल और आइडिया का ऑनलाइन एंट्री करवाई जाती है, जिसके बाद राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठा के द्वारा मॉडल का चयन किया जाता है, जिसमें चयनित बच्चों को मॉडल के लिए 10,000 रुपए की अवार्ड राशि प्रदान की जाती है। विज्ञान प्रदर्शनी में 87 बच्चे नीमच जिले से और 17 बच्चे मंदसौर जिले के अपने प्रोजेक्ट के साथ शामिल हुए, जिसमे 11 मॉडल का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत बच्चों से पहले ये ऑनलाइन एंट्री करवाते हैं, जो इनके मॉडल और आइडिया है वो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, तो अपने नीमच जिले से 87 बच्चों का और मंदसौर के 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो वो उनको 10,000 रुपये अवार्ड मिला। तो उस जो आइडिया था उसके मॉडल के रूप में वो परिवर्तित करके यहाँ प्रदर्शनी के लिए ले आए हैं। दो दिन की प्रदर्शनी है, 24 और 25, आज शाम को 4:30 बजे तक अवलोकन के लिए रहेगी और कल भी 3 बजे तक है। और यहाँ से 10% मॉडल सिलेक्ट होके राज्य स्तर पे जाएंगे, मतलब लगभग 11 मॉडल यहाँ से सिलेक्ट होके राज्य स्तर पे जाएंगे और राज्य से नेशनल, इस प्रकार से इसकी जो आयोजन होता है। ये नीमच जिला और मंदसौर जिला दोनों जिले के बच्चे हैं, इसमें 87 अपने यहाँ के नीमच के और 17 बच्चे मंदसौर के। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि बच्चों द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। बच्चों के द्वारा कई इंस्पायर मॉडल बनाए गए हैं, जो अच्छा उदाहरण है, प्रतिभाओं को निखारने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रदर्शनी का आयोजन एक अच्छा विषय है, इंस्पायर अवार्ड करके एक योजना सरकार ने निकाली है। जो बच्चे मॉडल बनाते हैं वो नए नए अपने जिज्ञासा और दिमाग के आधार पर बनाते हैं, और विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान का एक महत्व अलग ही है। इसके लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिन बच्चों ने इसमें अपने मॉडल बनाए और बड़े अच्छे अच्छे मॉडल बनाए, अभी हमने देखा है उनमें कई प्रकार के दिमाग का प्रयोग किया गया है। स्व ऊर्जा की लाइट, स्वच्छता के संबंध में या पानी का संचय करने के संबंध में, बिना मिट्टी के खेती करने के संबंध में अनेक मॉडल बनाए। उन मॉडलों की मैं प्रशंसा करता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। नीमच और मंदसौर दोनों जिलों के बच्चों ने यहाँ भाग लिया है और उन्होंने यहाँ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, तो ये विज्ञान का एक नया आविष्कार है, जो छोटे स्कूलों में जो बच्चे प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे मिलने का, आगे बढ़ने का अवसर इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है। मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अच्छा विज्ञान का, अपने कला का प्रदर्शन यहाँ किया है, और हम देखते हैं इसी प्रकार प्रतिभाएं आगे बढ़ती है। हम इतिहास के पन्नों पढ़ते हैं कि अब्दुल कलाम जी बहुत सामान्य स्कूल में पढ़ने के बाद वो वैज्ञानिक बने और उन्होंने परमाणु बम बनाए, तो इसी प्रकार के मॉडलों के आधार पर ही कई प्रकार के वो जो बच्चे आविष्कार करते हैं या मॉडल बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कार्य रूप में लेते हैं।